यू ऑल हैव बीन टेकिंग केयर अबाउट योरसेल्फ। आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग और शायद सबसे इम्पॉर्टेंट एसेज में से एक द पिकनिक लिखाने जा रहे हैं। पिछले 30 सालों में कम से कम 25 बार मैंने देखा है अलग अलग एग्जाम्स में ये ऐसे आता रहा है, और ये केवल 10th की बात नहीं है, 12th की बात नहीं है, किसी भी क्लास में स्टार्टिंग विथ 6 to 12 कभी भी कहीं भी किसी भी एग्जाम में ये ऐसे आपसे पूछा जा सकता है, बिकॉज ये सबसे ज़्यादा एंटरटेनिंग और इंटरेस्टिंग ऐसे है और सबकी पसंद रहा है, मोस्ट फेवरेट ऐसे, मेरा भी तो मोस्ट फेवरेट ऐसे। तो मैं बड़े इंटरेस्टिंग तरीके से इस ऐसे को आज इस वीडियो में आपको लिखाने जा रहा हूँ। प्लीज़ सबसे पहले रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को, ऊपर एक बटन है वहाँ पुश करिएगा प्लीज़। थैंक यू, आपने कर दिया, आपका भी थैंक यू, आपने भी किया है। और जैसे ही आपको वीडियो अच्छा लगे, जहाँ भी आपको पंच ऐसा लगे या कुछ मोमेंट लगेगी बहुत अच्छा है, आप तुरंत लाइक ज़रूर करें और बाद में इसको अपने फ्रेंड्स को, अपने चाहने वालों को शेयर ज़रूर करिएगा प्लीज़, जिससे कि आपका प्यार, आपका दुलार, आपका स्नेह ये दूसरों तक भी पहुँचे और इसका फ़ायदा हमें भी मिले कि हमारा ये चैनल और तरक्की करें। जैसा कि आपकी आशीर्वाद से, आपके प्रेम से, आपके आदर से ये अभी तक काफ़ी अच्छे से आगे बढ़ रहा है। आइए सीधे ऐसे पर आते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट इंट्रोडक्शन है, मैं बार बार कहता हूँ, ये पहले चार जो हम किसी से मिलते हैं ना, हेलो हाउ आर यू, पहली बार हम किसी से हाथ मिलाते हैं, किसी से नो रुख मिलाते हैं, फेस टू फेस होते हैं, आंखों में आंखें डाल के हेलो कैसे हैं आप, तो ये स्टार्टिंग वो मोमेंट होता है, वो हम किसी के दिल में जगह बना लेते हैं। ऐसे का इंट्रोडक्शन भी ऐसा ही होना चाहिए कि एग्जामिनर को वो इतना अपील करे, इतना पसंद आए कि वहीं से उसके अंदर से निकले वाह क्या बात है, और जब कंक्लूड करें ओह माय गॉड इट्स गुड इट्स ग्रेट, वहां पर वो मार्क देकर जाए। ठीक है, आइए इंट्रोडक्शन लिखेंगे पिकनिक पर। लाइफ इज फुल ऑफ वरीज, जिंदगी तकलीफों से भरी, चिंताओं से। देयरफोर, सीधे मुद्दे पर आते हैं, We need to fill life with some joys, like a picnic. इसको अंडरलाइन कर देंगे, जैसे कि पिकनिक। तो हमने यहां से इंट्रोडक्शन दे दिया, अब हम अगला हेडिंग लिखेंगे कौन सा, जिस पिकनिक पर हम गए हैं। तो आइए द पिकनिक। ऑन द लास्ट सैटरडे We were talking about some interesting things. हम कुछ मजेदार बातें कर रहे थे। Suddenly, my sister requested my father to go out for a picnic on the नेक्स्ट संडे। यहाँ से हमने एक मैसेज दे दिया कि हमने किस तरीके से पिकनिक के बारे में पहुँचे। हम लोग बातें कर रहे, अचानक बनता ही है। दो तरह की पिकनिक हो सकती थी, एक होती है बहुत पहले से प्लान की हुई, मुझे लगता है उसमें मज़ा नहीं आता और ना वो सक्सेसफुल हो पाती, कई बार वो ज़्यादातर लास्ट टाइम पर नहीं बन पाता। मैं इंस्टेंट पिकनिक की बात, सैटरडे को डिसाइड करा, संडे को चले जाएंगे। ठीक है, आइए अब अगला हेडिंग,
पहले यहाँ पे इसे अप्रूवल ले लें, द फादर लाइक्ड दिस आइडिया, वी ऑल डिसाइडेड टू गो टू द टाइगर रिजर्व। ये हमारे पीलीभीत शहर की एक शान है, जान है, पहचान है। मैंने उसी का जिक्र किया। इससे पहले मैं कभी पिकनिक के बारे में लिखाता था तो कभी नैनीताल के बारे में लिखाता था, कभी और कहीं, लेकिन हमारे अपने शहर में एक पिकनिक स्पॉट आ गया है तो मैंने उसका जिक्र किया। आप इसे अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, ठीक है। आइए अब अगला सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसे आप उतार सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वो है प्रिपरेशन या तैयारी। हेडिंग है प्रीपरेशंस, वी गॉट अप एट 4 इन द मॉर्निंग वी ऑल स्टार्टेड our different preparations, हमने अपनी अपनी तैयारियां शुरू कर दी। my mother and my sister were in the kitchen, they were preparing some delicious things for all of us, like। अब आप लिख सकते हैं मजेदार चीजें आपकी फेवरेट कौन सी, वो आप सब नोट कर सकते हैं। like chips, you know, पापड़, स्वीट डिशेस, ईटीसी, इतना ही बहुत है। फिर हम पिकनिक पर जाएं, वहां भी तो कुछ ना कुछ करेंगे। अब अगला हेडिंग, द पिकनिक एट द टाइगर रिजर्व। चलिए सीधे मौके पर आते हैं, मौका है वारदात पर। वी रीच्ड इन द फॉरेस्ट रेंज एट 10। इट वॉज वेरी ब्यूटिफुल। It was very beautiful atmosphere. All was looking awesome. We saw deer, peacocks, etc. It was so cute to be there. बहुत मजा आया, ठीक है। We caught some very
ब्यूटीफुल पिक्स विद आवर फोन्स, सॉरी स्मार्टफोन्स। पहले के ऐसे में यहाँ पे हम कैमरा के यूज़ करते थे, टाइम बदला, चीज़ें बदली, तो अब फ़ोन ने उसकी जगह ले ली और फ़ोन ने शायद बहुत सी चीज़ों की जगह ले ली। जी आप सही समझ रहे हैं, तो इसे आप उतार सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग ऐसे हमारा हो चुका है, प्लीज़ ट्रस्ट मी, माइंड ब्लोइंग ऐसे है ये। और आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर मैं इसको इरेज कर दूंगा, आपका कम से कम टाइम खर्च हो और अधिक से अधिक आपको मिले। ठीक है, इरेज करते हैं। अब हम कुछ खा पी लेते हैं, बहुत देर हो गई। यहां लिखेंगे लंच एट द टाइगर रिजर्व। वी टुक आवर लंच एट 1 PM, we enjoyed it very much. During this lunch time, we entertained with music and dance. Then we played chess and carom. After the lunch, thus we had a lot of fun. हमने इसमें स्पोर्ट्स एक्टिविटीज भी डाली कि हम कैरम खेले, हम चेस खेले, और हमने बहुत सी एक्टिविटीज की, हमने अच्छे से एंजॉय किया। आपको भी मजा आ रहा होगा, बहुत इंटरेस्टिंग हो गया ना, इसे खत्म करेंगे। एट 4 PM we took tea with all our family. Then we spent some time in the forest. After that, थोड़ा तम और रुके। Finally, we decided to come home at 6. जंगली इलाके में हमें अंधेरे होने से पहले ही वहाँ से चलना चाहिए। एक प्रिकॉशनरी आपको बात बताना थी, तो वहाँ पे 6 पर हमने वहाँ से जंगली का डिसाइड कर लिया। आइए इसे फिनिश करते हैं। कंक्लूजन, वी केम बैक होम एट 7:30 PM. It was a unique experience. We had a lot of fun.
वी विल नेवर फॉरगेट दिस डे. सच मोमेंट्स आर अनफॉरगेटेबल. सो आपको ये ऐसे कैसा लगा? आई होप अच्छा लगा हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करें. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और भी बड़ा हो सकता था, इंटरेस्टिंग हो सकता था. अपने हिसाब से आप इसमें और चेंजेस भी कर सकते हैं और इसे बेटर एंटरटेनमेंट, एंटरटेनर और ब्राइटर बना सकते हैं. सो बाय टिल द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर अबाउट योर सेल्फ एंड लॉट्स ऑफ लव. टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड टू लाइक दिस.